वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस, वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। हम एसएससी का क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, पता है ना? तो आते क्यों नहीं हो? हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सो रहे हैं। भाई सोते रहो, क्योंकि हमारा काम है सिलेबस कंप्लीट करना, हमारा काम है हम हर एक चीज को बारीकी से बता दें आपको। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यह आपका नुकसान। क्लॉक के दो क्लासेस हो चुके हैं और आज है तीसरी क्लास, और आज की जो क्लास है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्जाम में आए हुए वहीं से उठाए हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आज उठाया गया है, तो आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। ये हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने हर एक क्लास में बताए थे आपको, इनको याद कर लेना, ठीक है? इनके ऊपर आज एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी आ जाएगा। अच्छा, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये भी हमने देखा था कि अगर फाइंड करना हो एंगल और टाइम गिवन हो, फाइंड करना हो टाइम अगर एंगल गिवन हो, इसके बाद होता है फॉल्टी क्लॉक, स्लो एंड फास्ट वाला, और नॉर्मल क्वेश्चन। आज हम ये दोनों करेंगे क्योंकि ये दोनों हम कर चुके हैं, तो आज हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बता दो। चुटकियों में आंसर आता है इनका, चुटकियों में। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से। क्विक फास्ट, भाई देखो बोला गया है बिटवीन 11 AM या PM पता नहीं, 11 बजे से 2:40 तक, मतलब 12 बजे के बाद का समय है या 2:40। हाउ मच एंगल इज ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड, घंटे वाली सुई ने कितना कोण बनाया? तो 11 बजे से 2:40 तक, 11 से लेके 2:40 तक कितना मिनट होता है, पहले वो पता कर लो। तो 11 से 12 60 मिनट, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ठीक, ये कितने घंटे हो गए? ये हो गए 3 घंटे हो गए, और फिर 2 बजे से लेकर 40 मिनट और, तो 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट हो जाते हैं। और जैसे ही यहां 40 आ जाएगा तो इस 40 को और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 220 मिनट्स हो जाएंगे। अब पहली क्लास में आपको बताया था कि जो आवर हैंड होता है, मतलब जो घंटे की सुई होती है, वो एक मिनट में कितना ट्रेवल करती है, 1/2 degree, आधा डिग्री ट्रेवल करती है। तो 220 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, 220/2 कितना हो जाएगा, 110 का डिग्री, मतलब 110 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका सही जवाब था, 110 डिग्री। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल मिनट निकाल लो, बाई टू कर दो, क्यों? क्योंकि एक मिनट में आवर हैंड, घंटे वाली सुई, आधा मिनट चलती है, तो इतने मिनट में वो 110 डिग्री चल देगी। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और कर ले रहे हैं, फटाफट से देख लो। टाइम हमने चेंज किया, क्या किया, 10 बजे से लेके 4:10 तक कितना हुआ, 6 घंटा और साथ में 10 मिनट, तो 6 घंटा मतलब कितना हो गया, 360 मिनट, प्लस 10 मिनट और है तो कितना हो गया, 370 मिनट और बाय टू, तो कितना हो जाएगा ये, 185 डिग्री इसका सही जवाब आ जाएगा, 185 डिग्री। क्लियर हो गई बात? 185 डिग्री का एंगल बनेगा किसमें, आवर हैंड बना देगा, मतलब 185 डिग्री वो चल देगा, इतना दूरी उसने ट्रेवल किया होगा। क्लियर है बात? चल अब एक नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आया भी है, आ भी सकता है सीपीओ वाले एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन ही मैंने आज लिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन क्लॉक है, थ्री क्लॉक्स रिंग एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स इफ दे रिंग टुगेदर ऑन 8 AM। मतलब घड़ी, तीन घड़ियां हैं और वो क्या कर रही है, वो रेगुलर इंटरवल पे मतलब रिंग कर रही है, हर 15 मिनट पे रिंग कर रही है घड़ी, दूसरी घड़ी हर 20 मिनट पे रिंग कर रही है और तीसरी घड़ी हर 25 मिनट पे रिंग कर रही है। तीनों घड़ियों ने एक साथ 8 बजे रिंग किया था, एक साथ वो 8 बजे सुबह या शाम को 8 बजे सुबह वो बजी थी, रिंग करी थी। अब पूछा है आपसे वो अब कितने बजे रिंग करेंगी, तो इसमें क्या करना होता है, सीधा आपने क्या करना है, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, इनका क्या कर लेना है, LCM निकाल लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेना है। ये सारे क्वेश्चंस LCM से होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा LCM से होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जैसे ही आपने ये देखा इस टाइप का, आपने LCM निकाल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालेंगे कि भैया इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, फिर यहां क्या बचा, 3, 15 मिनट में 3 बचा, 20 मिनट में कितना बचा, 4, और 25 मिनट में 5, तो ये आपका एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 12, 12 इंटू 25 कितना होता है, बच्चे बच्चे को पता है 300 होता है। और दूसरी तरीके से करना है तो थोड़ा दूसरी तरीके से कर लो, 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 पंजे 300, 300 मिनट इसका एलसीएम आया है। अब ये 300 मिनट को मैं आवर्स में बदल लूं तो 60 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो ये आ जाएंगे आवर्स, तो कितना आवर आ गया, 5 घंटे बाद तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये कि कितने बजे बजेंगी, तो 8 AM पे प्लस कर दो 5 घंटे, कितना हो जाएगा, 1 PM, दोपहर के 1 बजे फिर से ये तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। या तो ये कर लो, एक तरीका ये होता, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है, या फिर वो आपसे पूछता है कि कितनी देर के बाद अब बजेंगी, तो आ जाएगा उसका आंसर 5 घंटा। या तो वो पूछेगा कितनी देर के बाद, तो 5 घंटा, और कितने बजे, तो 1 बजे। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से, करके बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बता दो, क्विक फास्ट, सिर्फ वैल्यूज चेंज करी है और कुछ नहीं किया है। क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए, क्विक फास्ट। भाई देखो, 12, 18 और 24, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12, 18, 24 में क्या कॉमन है, 6, 12 में क्या बचा, 2, 18 में 3, 24 में 4, यही तो बचा, तो 4 3 12 2 24, तो 24 × 6 ये आपका एलसीएम आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, 24 × 6 ये एलसीएम आ गया, ये आ गए मिनट्स। अब इनको मुझे करना है घंटों में कन्वर्ट, तो डिवाइड बाय 60, अब मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मैं 60 से डिवाइड करने वाला हूं, तो मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं, यहां आएगा 10, मतलब क्या बचा, 2.4 आवर्स। अब ये 2.4 आवर्स का मतलब क्या है बताओ भैया, 2.4 आवर्स का मतलब क्या है, क्या 2 घंटा 40 मिनट, नहीं, 2 आवर्स प्लस 24 मिनट्स हैं, 24 मिनट्स, समझ में आई बात, ये 0.4 आवर्स को हम बोलते हैं 24 मिनट्स, ठीक है ना, 0.4 आवर्स 40 मिनट नहीं है, 24 मिनट होता है, तो 2 घंटा ये हो गया, 24 मिनट ये हो गए, 10 बजे बजी थी एक साथ, अब कितने बजे बजेंगी, तो 12:24 पे अब वो बजेंगी, कितना, PM पर, दोपहर में 12:24 पर दोनों घड़ियां, तीनों घड़ियां एक साथ फिर से
बजेंगी। बात समझ आ गई? 24 होगा या फिर 48 होगा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.4 है ना, तो 24 होगा कि 48 होगा? 12 12 और फिर 12 5 48 होगा, सॉरी 48 होगा यहां पे, ठीक है ना। अगर 12 12 के सेक्टर बनाओगे, 12 12 12 12 और फिर 12, तो ये कितने हो जाएंगे, 5, और टोटल कितना हो जाएगा, 60। 60 मिनट का ही तो एक घंटा होता है, इसमें से हमने 4 ले लिए, 4 ही तो लिए। अगर 5 ले लेते तो यहां 3 हो जाता, 2.5 अगर आ जाता, मतलब 2.5 नहीं, 2 2 घंटे के लिए ना, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है। हाँ सही तो था, 24 ही आएगा, 24 ही आएगा, 24 ही आएगा, हम कंफ्यूज हो गए थे, ये 2 2 का कॉलम लिया है, ठीक 24 आ जाएगा, 2.4 मतलब कि 24। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो 12 बज के 24 मिनट दोपहर में तीनों की तीनों घड़ियां एक साथ बज पड़ेंगी। क्लियर हो गई बात? एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अब आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब बहुत क्या, थोड़ा सा क्या, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको समझ में ही ना आए ये क्वेश्चन क्या है, एक बार समझा देते। If a clock rings as many times as it shows the time, मतलब ए, अगर एक घड़ी उतनी बार बज रही है जितना उसमें समय हो रहा है, मतलब 1 बजे वो 1 बार बजेगी, 2 बजे वो 2 बार बजेगी, 3 बजे वो 3 बार बजेगी, 4 बजे वो 4 बार बजेगी, 5 बजे वो 5 बार बजेगी, और 10 बजे वो 10 बार बजेगी, इस टाइप से कुछ हो रहा है। तो आपसे पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स विल इट रिंग थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन में वो कितनी बार बजेगी, ये आपसे पूछा है। अब यहां पे एक लॉजिक लगाना है, वो आपको दिमाग में रखना है। जो आपकी घड़ी होती है उसमें 24 घंटे होते हैं या 12 घंटे होते हैं, ये मुझे बता दो। जो घड़ी होती है आपकी, वॉल क्लॉक जो दीवार पे लगी होती है, घर में सबके लगी है, उसमें 24 घंटे होते हैं या 12 घंटे होते हैं, 12 या 24? 12। तो आपने ये 12 वाला लॉजिक लगाना, ना कि 24 वाला, ठीक है ना। यहां पे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और फिर से लगाना है 1 2 3 लेके 12 तक, तभी तो पूरा दिन होगा ना, 24 घंटे तभी होंगे। लेकिन वो 13 14 15 ऐसे नहीं करना है, 1 2 3 से शुरू करना है, फिर से 12 के बाद 1 2 3 शुरू करना है, ठीक। अब इसमें क्या लगाओगे आप, इसमें लगाओगे आप नेचुरल नंबर्स को काउंट करने वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है, n n+1/2, ये होता है फॉर्मूला। नेचुरल नंबर्स काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, n n+1/2। मुझे जाना है 1 से लेके 12 तक और फिर 1 से लेके 12 तक, दो बार जाना है 1 से लेके 12 तक, तभी पूरा दिन होगा। ये जो डे है ये तभी पूरा दिन होगा, क्योंकि 24 घंटे चाहिए। लेकिन 12 बजे के बाद एक फिर से बच जाता है, इसीलिए हम 12 के बाद 13 14 नहीं जाएंगे, 12 के बाद फिर से 1 2 3 शुरू करेंगे। तो दो बार आपको यह काउंट करना है, तो इनटू इसको कर दो 2, इसको इनटू 2 कर दे। अब सही है, अब फॉर्मूला क्लियर है। तो 2 से 2 कट जाएगा, n क्या हो जाएगा 12 और n+1 क्या हो जाएगा 13। ये इसका मल्टीपल क्या है, 12 × 12 + 12, यही तो होता है ना, तरीका तो ये होता है, जिस भी तरीके से करना चाहो वैसे कर लो आप, ठीक। तो 12 × 13 कितना होता है, 156 इसका आंसर आ जाएगा, कि 156 टाइम्स ये घड़ी बजेगी, 156 बार घड़ी रिंग करेगी पूरे दिन में। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, हाँ या ना, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कि वो जितनी बजे, जितना उसमें बज रहा है उतनी ही बार वो बजती है, जितना उसमें टाइम शो हो रहा है उतनी बार वो रिंग करती है। तो पूरे दिन में कितनी बार रिंग करेगी, तो 12 के बाद फिर से वो टाइम चालू हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक चीज समझ लो, हमने सुबह वाले क्लास में एक आपसे बोला था कि आप हमें ये बता दो कि वीकेंड स्पेशल, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने एक पोल कराया था टेलीग्राम पे, तो वीकेंड स्पेशल पे हमने पूछा था, भैया क्या करें कल,
क्या करें कल? तो कल हमने वीकेंड स्पेशल के लिए आपसे पोल कराया कि कोडिंग डिकोडिंग की अगली क्लास चला दें या फिर आरआरबी का मॉक। तो ये आपने पोल किया है, ये पोल मैंने जो लिया है ये आपका 6 बजे तक का पोल है, 5:30 बजे तक का है लगभग, ठीक है ना। 5:30 बजे तक का पोल मैंने आपसे, मतलब 5:30 बजे तक का ये रिजल्ट है। तो उसमें आ रहा है कि 58% आरआरबी है और 42% कोडिंग डिकोडिंग है। तो आपको पता है कल क्या आने वाला है? कल क्या आने वाला है? आईबीपीएस आरआरबी मॉक पेपर दूसरा आने वाला है। पहला हम करा चुके हैं और दूसरा मॉक पेपर फिर से आने वाला है। 100 वोट्स में 58 बच्चों ने बोला है मॉक पेपर और 42 बच्चों ने बोला कोडिंग डिकोडिंग। तो भैया अब आपके पास मॉक पेपर आने वाला है कल कितने बजे? तो टाइमिंग अभी नोट कर लो, 12:30 बजे। अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, जाना मत, गलती मत कर देना जाने की, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस अभी बचे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मुंबई से दिल्ली एक ट्रेन जा रही है, लीव्स एवरी 40 मिनट, हर 40 मिनट में वो निकलती है, मुंबई से दिल्ली की ट्रेन निकलती है। राहुल टेक 65 मिनट्स टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। राहुल को 65 मिनट लगते हैं स्टेशन पहुंचने में अपने घर से। When he reaches the station at 8:20, 8:20 पे जब वो अपने स्टेशन पे पहुंचा, तब उसको पता चला कि 15 मिनट पहले ही गाड़ी निकल चुकी है, उसकी गाड़ी छूट गई, ठीक है, 15 मिनट पहले निकल गई। तो गाड़ी कितने बजे निकली पहले बता दो। 8:20 पे वो पहुंचा और 15 मिनट पहले निकल चुकी थी, तो 8:15 पे गाड़ी निकल गई, हाँ या ना? 8:15 पे निकल गई। अब पूछा है टेल मी एट व्हाट टाइम डिड द नेक्स्ट ट्रेन लीव द स्टेशन। तो अगली कितने बजे ट्रेन निकलेगी? तो 40 मिनट बाद निकलती है ना, तो इसमें आपने 40 जोड़ देना है। इसमें क्या जोड़ देना है? 05 आएगा, 15 नहीं आएगा, 05। 8:20 में तो वो पहुंचा था, 15 मिनट लेट है, तो 8:05 पे पहुंचेगी और इसमें 40 मिनट जोड़ देना है। तो अगली ट्रेन कितने बजे आएगी? 9:45 उसको अगली ट्रेन मिलेगी। उस बेचारे को 25 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, 25 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, 8:45 पे अगली ट्रेन मिलेगी। ये इसका आंसर था ना, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत हलुआ हलुआ क्वेश्चन आ रहे हैं। अब थोड़ा सा भारी क्वेश्चन ले लो, बहुत हलुआ थे ना, तो अब भारी क्वेश्चन आ गया है, घुंघरू सेट आ गए आपके पास, और इनके ऊपर एक क्वेश्चन हमने बनाया है। ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा दो, पहले तो क्वेश्चन समझ जाओ, यही चैलेंज है, क्वेश्चन पहले समझ जाओ वही चैलेंज है, करोगे तो बाद में। हाँ भाई, घुंघरू सेठ लीव्स हिज हाउस एट 4:50, घड़ी ले लें, 4:50 पे, है ना, इस तरह से बना लेते हैं। ठीक, थोड़ी सुइयां इधर उधर हो गई हैं, समझ जाना। 4:50 पे घुंघरू सेठ अपने घर से निकलते हैं। ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड, ठीक। When he comes back, the clock interchange their hand। जब वो घर वापस आया तब आवर हैंड यहां चला गया और मिनट हैंड यहां आ गया, मतलब 4:50 पे वो भाई साहब घर से निकले थे और घर में जब वापस आए तब आए वो 10:20 पर। बात समझ आ गई? 10:20 पे वो वापस आए अपने घर पे, ठीक। अब बोला है हाउ मेनी टाइम्स डज द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड क्रॉस ईच अदर।
जब 4:50 से 10:20 तक घड़ी चली तो दोनों सुइयों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, वो कितनी मर्तबा किया वो पूछ लिया है आपसे। है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहां पे वो लॉजिक लगेगा जो मैंने बताया था आपको, इंटरसेक्टिंग वाला, को इनसाइड पे 4:50, 10:20, को इनसाइडिंग में बताया था आपको कि हर घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक आती हैं, आती हैं। मान लो इस तरह से घड़ी की सुई है, ये एक घड़ी है, ये एक सुई है, ये एक सुई है, घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे हैं। कुछ समय के बाद वो ऐसे आएंगी और फिर ऐसे जाएंगी, इसी का तो मतलब होता है क्रॉस करना। ये क्रॉस करी ना, तो क्रॉस कब करेगी, जब वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी तभी क्रॉस करेंगी कि नहीं करेंगी, हाँ या ना। तो इसमें कोइंसाइडिंग वाला लॉजिक लगेगा कि हर एक घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयां इंटरसेक्ट करती हैं और 12 घंटे में वो 11 बार इंटरसेक्ट होती हैं। तो एक बार कब नहीं होती 12 घंटे में, 12 घंटे में एक बार कब नहीं होती हैं, वो नहीं होती हैं 12 घंटे में एक बार इस टाइम पे। 5 से 7 बजे के बीच 2 घंटे हैं, तो इन 2 घंटों में 2 बार इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ एक बार करती हैं। क्यों? क्योंकि जब 6 बज रहा होता है तब कुछ इस तरीके से घड़ी होती है, और जब 7 बज जाता है, जब 7 बज जाता है तब भी वो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, वो 7 बजे के बाद करती है इंटरसेक्ट। तो वो 5 से 7 में 2 बार करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक बार ही इंटरसेक्शन होता है, किसमें, घड़ी की दोनों सुइयों में। अब एक बार समझ लो, 4 से 5 में इंटरसेक्ट करेंगी क्या, जब घड़ी की दोनों सुइयां इस तरह से हैं, 10 मिनट ही तो बचा 4 से 5 बजने में, क्योंकि 4:50 तो हो चुका है और 4:50 से 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचा है, क्या घड़ी की दोनों सुइयां इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, ठीक। तो 4 से 50 में तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, 5 से 7 में सिर्फ एक बार होगा, 7 से 8 में एक बार होगा, 8 से 9 में एक बार होगा, 9 से 10 में एक बार होगा, और 10 से, अब 10 जब बजेगा तब कैसे बजेगा, 10 जब बजेगा तो ऐसे बजेगा, ऐसे बजेगा ना, फिर 10:20 तक सुई यहीं तक आएगी, तो वो इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं, तो सिर्फ कितनी बार इंटरसेक्शन हुआ, इतनी बार हुआ, मतलब कि सिर्फ 4 बार घड़ी की दोनों सुइयां इंटरसेक्ट करेंगी। कितने बजे, 5 से 7 में एक बार, 7 से 8 में एक और बार, 2 बार हो गया, और 8 से 9 में एक और बार, मतलब 3 बार, और 9 से 10 में एक और बार, मतलब 4 बार, 4 बार घड़ी की दोनों सुइयां इंटरसेक्ट करेंगी। कब? जब घुंघरू सेठ अपने घर से बाहर थे। क्लियर है बात, समझ में आया ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक। अब आएंगे थोड़े फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और फिर इसका हम आंसर बताएंगे। हाँ भाई, बोल रहे एक क्लॉक फास्ट 1 आवर इन ईच 24 आवर्स, हर 24 घंटे में वो 1 घंटा तेज हो जाती है, मतलब 24 घंटे में वो कितना चल रही है, 25 घंटा चल रही है, यही ना, कि 25 घंटा किसको डिनोट करेगा, 24 घंटे को करेगा। ये रॉन्ग टाइम है, ये राइट टाइम है, बात समझना। घड़ी है वो तो भैया 24 घंटे ही चलती है, लेकिन बोल रहा है 24 घंटे में वो 25 घंटा चल रही है, 1 घंटा ज्यादा चल रही है, तो जो सुइयां हैं, जो चल रही है घड़ी, वो तो 25 घंटा चल गई ना 24 घंटे में,
तो 24 घंटा किसको डिनोट कर रहा है, सॉरी 25 घंटा किसको डिनोट कर रहा है, 24 घंटे को कर रहा है, बस इतना समझ लो। इसको समझ लिया तब आपका काम बन जाएगा। ये समझना बहुत बड़ी बात है कि 25 घंटे किसको डिनोट कर रहे हैं, 24 घंटे को डिनोट कर रहे हैं। अब बोल रहा है इफ क्लॉक शोज करेक्ट टाइम ऑन संडे 7 AM, संडे 7 बजे, अगर क्लॉक सही समय दिखा रही है ठीक, तब बताना है व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हेन क्लॉक शोज 9 AM ट्यूजडे, मतलब ट्यूजडे को 9 बजे सही समय क्या होगा। बात समझना, क्वेश्चन क्या है, घड़ी में इस समय 7 बज रहा है और ये सही समय है, और घड़ी में खराबी है वो क्या है कि वो हर 24 घंटे में 1 घंटा ज्यादा चल जाती है ठीक। तो बताना है कि जब ट्यूजडे को उस घड़ी में 9 बज रहा था तो एक्चुअल में टाइम क्या हो रहा था दुनिया में वो बताना है। उस घड़ी में तो 9 बज रहा था लेकिन दुनिया में क्या टाइम हो रहा था उस समय, क्योंकि वो घड़ी तेज चल रही थी, वो बता देना है। तो अगर 25 घंटा डिनोट कर रहा है 24 घंटे को, तो 1 घंटा किसको डिनोट करेगा, 24/25 को, यही करेगा ठीक। इस बीच में कितने घंटे चली घड़ी, कितना घंटा चली, तो संडे 7 बजे से मंडे 7 बजे तक 1 दिन, और मंडे 7 बजे से ट्यूसडे 7 बजे तक 2 दिन, मतलब 48 घंटा, और 7 बजे से 2 बजे 2 घंटा और, मतलब 50 घंटा। टोटल 50 घंटा घड़ी चली है, 50 घंटा चली है। तो अगर 1 घंटा ये कर रहा है तो 50 घंटे किसको करेंगे, तो 24/25 × 50, 50, इसको इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 घंटा। ये आपका सही आंसर होगा, 48 घंटा। अब इस 48 घंटे को क्या करना है, इस संडे 7 बजे में ऐड कर देना है। इस संडे 7 बजे में जैसे ही आप ऐड करोगे किसको, 48 घंटे को, तो संडे 7 बजे से मंडे और ट्यूसडे 7 AM हो जाएगा, ठीक है ना, मंडे 7 AM ठीक। ये 24 घंटे, ये 24 घंटे, 48 घंटे जोड़ दिए, तो उस घड़ी में जब 9 बज रहा था तो दुनिया में ट्यूसडे को 7 बज रहा था। बात क्लियर हो गई, क्लियर है ना, बात समझ में आ गया। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ एक चीज समझ लेनी है, वो क्या चीज है, वो ये है कि 25 घंटा किसको डिनोट कर रहा है, 24 घंटे को कर रहा है, बस इतना सा समझ लोगे आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें लगेगा फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगता है ठीक है। एक बार आप करने की कोशिश करो, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं सिर्फ, एक बार आप करने की कोशिश करो फिर मैं इसको बता दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठीक है, बस 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। चलो भाई, बोल रहा है अ क्लॉक मूव्स कंटिन्यूअसली फास्ट, एक क्लॉक लगातार तेज हो रही है, लगातार ठीक है ना, लगातार तेज हो रही है। इट लैग्स, लैग्स मतलब पीछे, यहां लिखा ना लेट, तो वो इट लैग्स 7 मिनट्स ऑन संडे 10 AM, संडे 10 AM वो 7 मिनट लैग कर रही थी, एंड इट इज अहेड ट्यूजडे 10 AM, ट्यूजडे 10 AM 5 मिनट, यहां पे लैग कर रही थी, यहां पे अहेड ठीक है। अब बोला देन फाइंड द क्लॉक शो, देन फाइंड व्हेन क्लॉक शोज राइट टाइम, संडे से ट्यूजडे तक वो पहले 7 मिनट पीछे थी, अब 5 मिनट आगे है, तो बीच में किसी टाइम पे उसने सही समय दिखाया होगा, किसी टाइम पे तो एक बार उसने सही समय दिखाया होगा या नहीं, वो टाइम निकालना है बस, ठीक
है ना, वो टाइम निकालना है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपके सामने हमने लिख दिया कि स्लो एंड फास्ट कुछ भी ले लो, यहां पे स्लो और फास्ट में से कुछ भी ले लो, नीचे लिखो स्लो प्लस फास्ट इनटू कर दो टोटल टाइम, ठीक है। तो स्लो और फास्ट में से स्लो था 5 और फास्ट था 7, ठीक। टोटल टाइम क्या था, टोटल टाइम क्या था, सुबह संडे 10 बजे से ट्यूसडे सुबह 10 बजे तक कितना हो गया, 2 दिन हो गया, 2 दिन मतलब 48 घंटे। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, 5/12 × 48, यही हो जाएगा ना। हमने 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मतलब 20 घंटे, ये आंसर आएगा हमेशा आवर्स में, ये याद रखना, ये हमेशा आवर्स में आंसर आएगा। तो 20 घंटे आ गया। अब इस 20 घंटे का क्या करूं मैं, 20 घंटे का क्या करना है, तो बात समझना। अगर मैंने 5 लिया, स्लो नहीं, गलती हो गई, स्लो था 7 और फास्ट था 5, तो यहां 7 ले लो, ठीक है, 7 × 4 = 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 28 आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर मैंने 7 लिया तो 7 किसके साथ था, संडे के साथ था, तो संडे में मुझे ये 48 घंटे वो 28 आवर्स जोड़ देने हैं। तो 28 मतलब कि 24 प्लस 4, तो संडे 10 AM से अगर मैं 24 घंटे जोड़ूंगा तो मंडे 10 AM प्लस 4 घंटे जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, मंडे 12 noon, इस टाइम पे सही समय दिखा रही होगी, मंडे को दोपहर में 12 बजे एकदम सही समय दिखा रही होगी यह घड़ी। क्लियर है बात, बात समझ आ गई। अगर आपको यहां पे स्लो वाला नहीं लेना है, 5 लेना है फास्ट वाला, तो आंसर आ जाएगा 20। अब इस 20 का क्या करना है, तो जो लिया है 5, ये किसके साथ है, ये ट्यूसडे के साथ है ना, तो ट्यूसडे में ये 20 घंटे माइनस कर देना है, अपने आप को हटा दे रहा हूं, ट्यूसडे में 10 AM इसमें माइनस कर देना है कितना, -20 कर देना है। तो -20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 मत करो, -24 कर दो। अच्छा 10 में प्लस 4 करेंगे तो 2 बज जाएगा, ठीक है, 2 PM आएगा ना कि 12 noon आएगा, ठीक। अब आपने क्या करना है, 20 घंटे माइनस करना है, तो 20 घंटे की बजाय आप 24 घंटे माइनस करो, तो क्या हो जाएगा, मंडे क्या हो जाएगा, 10 AM, 20 की जगह आप 24 कर दो, तो मंडे 10 AM और फिर कर दो इसमें 4 घंटे ऐड, तो क्या हो जाएगा, मंडे क्या हो जाएगा, 2 PM आंसर आ जाएगा। यहां पे मैंने -24 कर दिया ना कि 20, 20 मतलब मेरे को माइनस तो 20 ही करना था दोस्त, लेकिन -20 करने का तरीका होता है, अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, इसीलिए मैंने पहले पूरा एक दिन माइनस कर दिया, तो ट्यूसडे में से एक दिन माइनस किया तो मंडे हो गया, मंडे का सुबह 10 बज गया और उसमें 4 घंटा ऐड कर दिया तो मतलब मंडे का दोपहर का 2 बज गया, दोनों से मेरा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बस हमें क्या करना है, याद ये कर लेना है कि अगर 5 लिया है तो 5 वाला चीज उठाना है, मतलब 5 मतलब ट्यूसडे और 7 मतलब संडे। अब किसमें ऐड करना है किसमें माइनस, वो आपको समझ लेना है, वो क्या है कि बस संडे के बाद ही तो सही समय दिखाएगी और ट्यूसडे से पहले सही समय दिखाएगी, संडे के बाद सही समय दिखाएगी और ट्यूसडे से पहले, तो संडे के बाद कैसे निकालोगे, संडे में ऐड करके, और ट्यूसडे से पहले कैसे निकालोगे, ट्यूसडे में माइनस करके, ऐसे करना था। ये आपके सामने उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन रखा है, ये आपके होमवर्क के लिए दे दिया है, इसी पैटर्न पे है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आप आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, मैं वहां पे इसका आंसर कल क्लास से पहले पिन कर दूंगा, पिन कर दूंगा मैं इसका आंसर,
कल मुझे सब लोग, मतलब कल तक मुझे सब लोग इसका आंसर बताना, कल मैं इसका आंसर सही आंसर पिन कर दूंगा, फिर देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर था। ठीक, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से करनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये फॉर्मूला लगाना था, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो दोस्त यार, हम डेली क्विज कराते हैं, जीए जीएस की भी क्विज होती है और रीजनिंग की भी क्विज होती है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन होता है वो कहीं ना कहीं 20 से 25 का होता है। ठीक, 20 से 25 लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको अगर अपना लेवल पता करना है तो आप 20 से 25 लोगों में पता करोगे तब अच्छे से पता चल पाएगा, या यही नंबर हम 50 से 100 कर दें? 50 से 100, देखो अभी 20 से 25 में आप टॉप 10 में आ जा रहे हो, बड़े खुश हो जा रहे हो, तो 20 से 25 में टॉप 10 आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से आ जाओगे। लेकिन अगर यही नंबर 50 से 60 70 80 बच्चे पार्टिसिपेशन करें, तब आपका टॉप 10 में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और तब आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और तब आपको असली लेवल पता चलेगा। तो करना क्या है, आपने सिर्फ क्विज के टाइम पे अपने एक फ्रेंड को लेके आना है, बोलना है कि दोस्त तू भी मेरे साथ ये क्विज दे, सिर्फ एक फ्रेंड को प्लस वन कर दो। तो ये जो 25 लोग होते हैं ये 50 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और अब इन 50 लोगों में आपको कंपीट करने में थोड़ा मजा आएगा। अब इन 50 लोगों में आपको पता चलेगा कि आप टॉप 10 में थे कि टॉप 20 में कि टॉप 15 में कि टॉप 30 में कि लोएस्ट थे, अब आपको पता चलेगा। तो अपने एक दोस्त को लेके जरूर आना, कब? क्विज में। कल से हर क्विज में आप अपने एक फ्रेंड को लेके आओ। भाई 5 मिनट की क्विज होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की, उससे ज्यादा नहीं होती। उस 10 मिनट की क्विज में एक दोस्त को साथ में लेके आओ कि दोस्त मेरे साथ ये क्विज दो, एनी हाउ कैसे भी, मुझे नहीं पता, क्विज देना है तुम्हें, ठीक है ना? ये पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, क्विज का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है आपने, ठीक है ना? आपके हाथ में ये। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।